कीर्तन 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 कीर्तन। क्या हुआ शिव, इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? पर कीर्तन ने तो कहा था कि उस बुड्ढे ने इसे देखा नहीं। शिव्या क्या हुआ? क्या हुआ अभी पता था। रुक जाओ बेटा, पापा, मम्मी, आप सब लोग यहां। लगता है वही हुआ जिसका मुझे डर था। तुम लोग पागल हो गए हो? ऐसे कैसे कीर्तन को मार रहे हो तुम लोग? चमक चलो, तू किधर चली है? चुपचाप इधर खड़ी रह, समझी ने? अरे अभी तो तेरे इस लड़के के थोपड़े का ज्योग्राफी खराब करना है। खबर न हो तो कह दूं, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। खड़ी रह चुपचाप इधर। क्या बदतमीजी है ये? सॉरी अंकल जी। अरे बदतमीजी माफ, पर आज ये करना जरूरी है, हम आपको उसे रोकने नहीं दे सकते। What rubbish? How dare you? कोयल जी आज नहीं, आपकी और हमारी दोस्ती एक तरफ और हमारा परिवार एक तरफ। पंडित, ये सब क्या हो रहा है? तेरे पूरे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? माँ, हमने आपसे कहा था ना, अरे ये गुंडे किस्म के लोग हैं, भले घर के लोग ऐसी हरकत करते हैं क्या? भाई को भाई से पिटवा रहे हो, शर्म नहीं आती? शिव, बस कर बेटा, बहुत हो गया। कुछ बताएगा कि हुआ क्या है? क्यों मरने मरने पे उतारू हो गया है तू? क्या हुआ है अभी बताता हूं दादी। ये आदमी जो रोज सफेद कोट पहनकर हॉस्पिटल जाता है हमारे, इसे लोग डॉक्टर कीर्तन बोलते हैं। इससे इलाज करवाते हैं, इससे दवाइयां लेते हैं, असल में ये डॉक्टर है ही नहीं। ये एक नकली डॉक्टर है। ये आदमी भी फर्जी है
और इसकी डिग्रीज भी। क्या? जो राज इतने सालों से मैंने अंदर छुपा के रखा था आज बाहर आ गया। एक नंबर का झूठा है और धोखेबाज इंसान है। ये है इसके झूठ और धोखेबाजी का सबूत। ये सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल में सबमिट किया गया है ना, वो जाली है। इसमें कॉलेज लोगो और कॉलेज सील को देखिए, दोनों बिल्कुल अलग हैं। रमेश, ऐसा हुई? देख लिया आपने इसकी नकली डिग्री? इतने सालों से ये नकली डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। इसके भरोसे हम डॉक्टर्स की टीम बना रहे हैं, अपने हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल बोल रहे हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक धोखेबाज और झूठा इंसान नहीं है, ये एक क्रिमिनल भी है। दादी, कश्यप हॉस्पिटल जो मेरे दादाजी ने बनाया था, जिसे हम मंदिर मानते हैं, क्या सोचकर बनाया था हमने कि हम लोगों की मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी तकलीफ दूर करेंगे। आपको पता है वहां कीर्तन क्या कर रहा है? उसी मंदिर में ये कीर्तन ऑर्गन स्मगलिंग का धंधा चला रहा है। ये नहीं हो सकता शेफ। ऐसा ही है दादी, और ये कीर्तन, इसने हमारे चाचा जी की ऑलमोस्ट जान ले ली थी। वो तो सही समय पर डॉक्टर शेफ और हम वहां पहुंच गए, वरना ये आदमी ने अपने चाचा जी को तो बचा लिया, लेकिन पता नहीं आज तक कितने मासूमों की जान ली होगी इसने। कितने लोगों को मार कर उनके बॉडी ऑर्गन्स बेच दिए होंगे। अरे डॉक्टर क्या हो, ये इंसान कहने के लायक नहीं है। हैवान है ये हैवान। लोगों के बॉडी ऑर्गन्स बेचने वाला है वाल। दी, सुना ना आपने? अरे ये कीर्तन चाचा जी को मारने वाला था।
आपके पिता को मारने वाला था। अनाथ कर देता ही आपको। ये तुम्हारा कीर्तन कैसा है ना? हमसे पूछो। ये दोनों सच बोल रहे हैं। हाँ, जिस आदमी का किडनी वो निकाल रहा था ना, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तुम्हारा बाप है। हमने अपनी आंखों से देखा है इसको सब करते हुए। कपटी, मेरे बाप उस वक्त लोगों को तुम कैसे निकलवाते हो? हमारे भोलेनाथ हमें चाचा जी तक ले गए और डॉक्टर शिव और हमने मिलकर इन्हें बचा लिया, वरना इस कीर्तन ने तो उनका पेट ही काट दिया था। और जिस तरीके का गवाह डॉक्टर है ना, ये पता नहीं चाचा जी के साथ क्या ही करता। पमिता, अरे हमारी आत्मा कांप गई थी उन्हें ऐसे देख के, दिल दहल गया था हमारा। वो तो डॉक्टर शिव ने टाइम पे उन्हें स्टिचेस दे दिए और उन्हें बचा लिया। आज अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचते ना दी, तो शायद चाचा जी जिंदा भी नहीं रहते। और ये जो अपने आप को एक डॉक्टर कहता है ना, एक 62 साल के आदमी की किडनी निकालने वाला था, जबकि दुनिया में हर डॉक्टर को पता है कि इस उम्र में ये कितना जानलेवा, कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये इसे कैसे पता होगा? अरे क्योंकि ये तो डॉक्टर है ही नहीं। देखिए, हमने आपके घर में 2-2 बेटियां दी है, अब सबको हमने अपना परिवार माना है। यहाँ के ऐसा तमाशा करना हमें भी अच्छा नहीं लगता। खबर न हो तो कह दू, आज तो ये करना बहुत जरूरी था। इंसोर्ट, मेरी सख्ती उड़ी जो भी कह रही है ना, एकदम एकदम सही कह रही है। बोले ना आपकी कसम, सच नहीं झूठ है और ये सब कुछ इसके झूठ का नतीजा है। अरे जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ हमारे पति के पीछे पड़ी है। कभी बोलते कि ये हमसे नहीं इससे प्यार करते हैं, कभी कहते हैं कि ये हमसे झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। अरे जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक इसे हमारा जीवन एकदम आराम कर लिया है। मार दो इसे आज रिमझिम, मार ही डालो इसे।
जान ले लो इसकी, क्योंकि अगर ये बच गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मार डालो इससे। हाथ मत लगाओ मेरी वाइफ को। एक और बार तुमने शक्ति को छुआ ना तो भूल जाऊंगा कि तुम शक्ति की बहन हो। इसे चोट पहुंचाने की सोचना भी मत, क्योंकि शक्ति अकेली नहीं है, उसका शिव उसके साथ खड़ा है उसकी ढाल बनके। अब शक्ति सच बोलेगी और उसके सच को साथ मिलेगा उसके शिव का। अब अगर शक्ति की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई ना तो उसका जवाब शक्ति नहीं, मैं दूंगा। सुन लिया सबने? वाह, तुम्हारे बीवी को कोई कुछ ना कहे और हमारे पति को तुम लोग मारो पीटो कुछ भी करो और कोई कुछ नहीं कहेगा, क्यों? अगर तुम शक्ति की ढाल होना तो हम भी अपनी पति की ढाल बन के खड़े हैं। हिम्मत कैसे हुई आप दोनों की हमारे पति को हाथ भी लगाने की? क्या समझते हो आप लोग अपने आप को कि जो चाहोगे वो करोगे? हाँ, आप लोगों को लगेगा कि कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हम तो कहेंगे। अरे एक नंबर के लूजर हो आप दोनों, लूजर। खुद का रिश्ता तो समझा जाता है नहीं, और चले हैं दूसरों के रिश्ते में टांग अड़ाने, नुक्स निकालने। रिमझिम चुप कर, क्यों क्यों चुप रहे हम? अरे ये शिव एक तरफ ये बोलता है कि इससे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं है, कि शक्ति तो इसकी बीवी है ही नहीं, और दूसरी तरफ ऐसे नाटक करता है कि शक्ति तो इसके लिए सब कुछ है, सब कुछ। और ये शक्ति, अरे ये तो गले में मंगलसूत्र भी नहीं डालती है और हमेशा मेरे पति का जाप जपते रहती है। और ये शिव अपने पत्नी का गुलाम, और ये शक्ति एक नंबर की झूठी मक्कार और धोखेबाज लड़की है। ये इसका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, हमारे और हमारे पति के रिश्ते में आग लगाना, सिर्फ और सिर्फ आग लगाना बस। तू क्या बकवास कर रही है? तुझे पता है हम बोल रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आ रहा है? कब से तुझे समझा रहे हैं कि स्कीकर ने तेरे पापा के साथ क्या किया है, फिर भी तू शक्ति पे चढ़े जा रही है। खबर न हो तो कह दू, शक्ति जो कुछ भी कह रही है ना बिल्कुल सच कह रही है। अरे आपको तो सुनकर मिर्ची लगेगी ना, क्योंकि ये शक्ति तो आपके लिए भगवान की मूर्त है, इसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द आपके लिए अमृत वाणी है। आसमान से आई है ना ये आपके लिए, भगवान का दिया हुआ वरदान है ना। आपकी आंखों पे ना इस शक्ति के नाम की पट्टी पड़ी हुई है। ये शक्ति ना सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल बोलकर आप सबको अपने इशारों पे नचाती है, और आप लोग हो किसी बंदर की तरह नाचते रहते हो। रिमझिम चुप कर, शक्ति के चमचे। आप सब लोगों ने मिलके ना हमारी जिंदगी बर्बाद की है। सोचा था कि शादी हो जाएगी तो हम चैन की जिंदगी जिएंगे, लेकिन नहीं, ये शक्ति यहाँ भी हमारे पीछे पीछे आ गई। अरे चैन के सांस भी नहीं ले सकते अब यहाँ पे। ए बेटा ऐसा नहीं बोलते पंडित जी, हमारी मर्जी, हमारा मुंह, हमारा जो जी करेगा हम बोलेंगे।
मॉरिस को। कुछ कहे तो वो हमें सहन, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई चाचा जी और चाची जी से बात करने की? अब चाची जी को इतना बुरा भला कह रही है? अरे माँ है वो आपकी और ये आपके पिता, इन्होंने जन्म दिया आपको और चाचा जी ने आपको आज तक राजकुमारी की तरह पाल पोस के बड़ा किया और आप इन दोनों को बुरा भला कह रही है? और अब में शर्म है कि वो सब खत्म हो गई है। 3 साल कोई भी रिश्ता तोड़ सकता है लेकिन अपने माँ बाप से नहीं, क्योंकि ये रिश्ता खुद भोलेनाथ ने बनाया होता है। अगर आप इनकी इज्जत नहीं कर सकती ना तो आज से हमारा रिश्ता भी खत्म। हमारा और आपका बहनों का रिश्ता नहीं रहा।